चतरा जिले में सक्रिय ठग गिरोह के विरुद्ध पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है। एसडीपीओ अविनाश कुमार के नेतृत्व में गठित हंटरगंज थाना पुलिस की स्पेशल टीम ने बिहार के 4 शातिर ठगों को चतरा में गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार ठगों के पास से ठगी का 40,000 रूपए नकद, 2 मोबाइल और घटना में प्रयुक्त 2 मोटरसाइकिल जब्त किए गए हैं। स्पेशल टीम ने बिहार के गया जिला अंतर्गत शोभ इलाके से सभी ठगों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। गिरफ्तार ठग बिहार के पटना और गया जिले के अलग अलग थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं। एसडीपीओ ने बताया कि इस गिरोह ने 2 दिन पूर्व थाना क्षेत्र के खूंटी केवाल खुर्द स्थित एक दुकान के संचालक से झांसा देकर 40,000 रूपये की ठगी करते हुए दुकान में चोरी की घटना को अंजाम दिया था। हंटरगंज थाना क्षेत्र के अंतर्गत एक गांव है खूंटी केवाल, वहां के रहने वाले एक व्यवसायी है नवीन कुमार सिंह, वो छड़ एवं सीमेंट का व्यापार करते हैं। उनके दुकान से 4 ठगों ने आपस में दिमाग लगा करके उनसे 40,000 रुपये की ठगी कर ली है। और इन लोगों का जो मोडस अप्रेंडिस है वो इस तरह का है कि एक व्यक्ति जाता है सामान खरीदने के लिए और 2-3 व्यक्ति रहते हैं, वो उनको बातों में उलझा के रखते हैं। बातों में उलझा के रखने के दौरान में वो पैसे का लेन देन करते हैं और पैसे का पूरा फिर जो गले के पैसे होते हैं उसे भी वो साफ कर लेते हैं। इनका पूर्व में भी आपराधिक इतिहास हम लोग तलाशने का कोशिश कर रहे हैं, कई सारे घटनाएं इन्होंने किया है परंतु FIR कहीं दर्ज हुआ नहीं है, हमारे संज्ञान में भी आया नहीं है। तो यहाँ से 40,000 रुपये की इन लोगों ने ठगी की थी। हम लोगों ने CCTV के फुटेज से हम लोगों ने इस अपराधकर्मी को पहचान किया और बिहार के शोभ से इन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। न्यूज विंग के लिए चतरा से धर्मेंद्र पाठक की रिपोर्ट। Excellent education, wonderful atmosphere, lavish building, and a long list of achievements in every field. Yes, one of the best schools in Jharkhand, BNSDAV Public School Giridih, continues to enroll. Enrollment is going on for classes nursery to standard 9 and standard 11. So, enroll your children today and let them touch the heights of the sky. Come on, hurry up! Seats are limited.